आइए, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो चुका है, तो हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अच्छा चलो, इसके बारे में अभी यहाँ पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा चीज मैं बता देता हूँ कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मान लो कोई चीज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज इलेक्ट्रॉन से ही बना होगा, तुम बोलोगे हाँ। तो जब इसके ऊपर सूर्य का रोशनी पड़ेगा, फिजिक्स में पढ़ोगे इसको, जब इसके ऊपर सूर्य का रोशनी पड़ेगा है ना, तो सूर्य के रोशनी के पास क्या होता है, एनर्जी, क्योंकि वो भी एक फोटोन से बना हुआ है, पढ़े हो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि वो भी लाइट भी पार्टिकल नेचर रखता है, तो वो पार्टिकल नेचर जैसे ही आएगा अपना एनर्जी इसको दे देगा, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उछलते कूदते भाग जाएगा। अब वो कितना एनर्जी देगा, ये मैंने शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिवीजन में मैंने पढ़ाया था, आई थिंक सो, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ऐसा, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जब मैं रिवीजन करवा रहा था तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था तुमको, तो याद आ रहा है क्या तुम लोगों को? फोटोन बताया एनर्जी लेके आता है, एनर्जी इसको दे देता है और ये भाग जाता है। बोलोगे यहाँ पे वर्क फंक्शन के बारे में मैंने बताया था कि मिनिमम कितना एनर्जी इसको देना पड़ेगा तो वो भागेगा, है ना। तीन केस हो सकता है, एक कम एनर्जी देगा तो नहीं भागेगा, एक ज्यादा एनर्जी दे देगा तो भाग जाएगा, और एक ऐसा एनर्जी दे बस एक्साइट कर दे तो भी नहीं जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा नहीं है कि कहीं भी आराम से हो जाए, होता सब जगह है। मैं फिर से बोल दूं, ये होता है दुनिया में हर जगह है, लेकिन यही है कि उतना एनर्जी मिले तब तो वो इलेक्ट्रॉन जाए। क्या कहती है? तुम बोलोगे हाँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ग्रुप वन जो है ना, ग्रुप वन देखो, एटमिक साइज ऑफ पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, ये इतना बड़ा होता है, देख लो ये इतना बड़ा होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को सूरज का थोड़ा सा फोटोन मिला ना कि बस ये चल देगा आराम से। बस तुम बोलोगे सर इसका ये अर्थ हुआ कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है ना, न्यूक्लियस इसको ठीक से पकड़ के रख नहीं पाता, यहाँ से सूर्य का रोशनी आया थोड़ा सा और ये इलेक्ट्रॉन अपना झोला उठा के चल दिया मोदी जी की तरह। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। तो ये यानी ग्रुप वन वाले क्या करते हैं, बहुत आराम से शो करते हैं, ठीक है। ग्रुप टू वाले इतने आराम से नहीं शो करते, क्यों? क्योंकि इनको दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा ना, पेयर में होते हैं, तो इतना आसानी से नहीं शो करते। गॉट इट हुआ कि नहीं हुआ? इसमें लिखा है ना, दे डू नॉट शो, शो तो दुनिया में सब करता है ना, सब शो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट ये इतना आसानी से नहीं करता, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ? और देखो सीएस का बहुत ही इजीली हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें आराम से हो जाता है, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सीजियम यूज किया जाता है, ठीक है। पढ़ना इस पीडीएफ को डिटेल में अगर जानना हो। आइए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक्चुअली ये इसमें थोड़ा सा टेक्निकली गलत लिखा है, हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एक सेकंड रुकना, है ना, एसआरपी के बारे में बात करते हैं। हेलो, हाँ बच्चों, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्या होता है दोस्त? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये बताता है रिड्यूसिंग नेचर, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ रिड्यूसिंग नेचर के बारे में, कि कौन सामने वाले को कितना रिड्यूस करेगा, कौन सामने वाले को कितना रिड्यूस करेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हम कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो क्लियरेंस क्या है ध्यान से सुनो, कि लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूस करता है सामने वाले को। लिथियम हैज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन खुद ऑक्सीडाइज होता है, सामने वाले को सबसे ज्यादा रिड्यूस कर देता है। हाँ हो गया, ठीक है, समझ नहीं आया है आपको, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं। इसका थोड़ा सा फील दिलवा दे क्या, बोलो, थोड़ा सा फील दिलवा देते हैं, बाकी तो देख ही लेंगे। हाँ अब चला गया होगा, अभी सक्सेसफुल लिखा है, चलो ठीक है, मैं क्लास ले लूं। ओके ओके।
मैसेज ऑफ सेंड नहीं होता। देखिए, रिड्यूसिंग नेचर का अर्थ क्या होता है, ध्यान से। सॉरी, नेचर नहीं, एजेंट। अगर मैं मान लो लिखता हूं रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या अर्थ होता है, ध्यान से सुनना। रिड्यूसिंग एजेंट का अर्थ होता है कि ये सामने वाले को रिड्यूस करे। एजेंट है ना, एजेंट का काम क्या होता है भाई, सामने वाले के लिए काम करना। अगर हम बोल रहे हैं कि ममता मकान वकान बेचने वाली एजेंट है, इसका मतलब वो क्या खुद खरीद रही है मकान? नहीं, वो दूसरे को बेचने का हेल्प करती है। जैसे कि समझ रहे हो ना, इशारा किसके तरफ है योगेश? वो उन लोगों का मकान बेचने का धंधा था ना, तो अपना ये सिस्टम है, ठीक है, एजेंट की तरह काम कर रहे। तो रिड्यूस करने वाला आदमी, मैं बोल रहा हूँ रिड्यूस करने वाला आदमी सामने वाले को क्या देगा? तुम बोलोगे क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉन गेन गेन करता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट अभी जीरो था, जीरो से माइनस आया तो रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हुआ है इसका। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे हाँ या ना मृणाली, एटलीस्ट यू से। हाँ मैं सर, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चीज यहीं पे, और तुम लोग वेरी बैड वेरी बैड। म्यूट ठीक है, होके हाँ बोल रही थी मैं। अच्छा ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इसको मिला और ये अपना रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूसिंग आदमी, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि एक मेटल है, मैं बोल रहा हूँ एक मेटल है, सॉलिड स्टेट में होगा, मेटल तो सॉलिड होता है। तुम बोलोगे हाँ, इसको हमने थोड़ा सा हीट किया, यानी सब्लिमेशन एनर्जी दिया। क्या दिया? सब्लिमेशन, तो वो गैस बन गया। तुम बोलोगे हाँ, ये बन गया गैस। इस गैस में थोड़ा सा हम एनर्जी दिए, जिसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको निकाल के दे दिया कि ले जाओ भैया, इलेक्ट्रॉन को लेके चले, ठीक है, देगा कि नहीं देगा? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे देगा, ठीक है, बताइए। अब ध्यान से सुनिए, इस आयनाइजेशन एनर्जी को, इस आयनाइजेशन एनर्जी जब ये दे देगा, तो अब ये एम प्लस बन गया भाई, कोई मेटल था, इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, एम प्लस बन गया। अब जैसे बता रहे वैसे सुनना, ये एम प्लस में जब हम पानी ऐड करते हैं, इस एम प्लस में जब हम पानी ऐड करते हैं, तो ये पानी इसको चारों तरफ से घेर लेता है। ये क्या करता है, पानी इसको चारों तरफ से घेर लेता है ऐसे, एम प्लस को। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव अट्रैक्शन होने लगता है, लो ऐसे ऐसे अट्रैक्शन होने लगता है, ये चारों तरफ से इसको घेर लिया, लो ऐसे करके। तुम बोलोगे अच्छा, तो जब इसको चारों तरफ से घेर लेता है, तो यहाँ एक इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। मुझे बताओ, क्या ये एक आयनिक कंपाउंड हो गया है, एम प्लस? ध्यान से सुनते जाना और बताते जाना, हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर क्यों रखता है। ये एम प्लस क्या आयनिक कंपाउंड है? तुम बोलोगे हाँ। H2O कैसा कंपाउंड है, पोलर है ना, हाँ तो यहाँ पे आयनिक और पोलर के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, आयनिक और पोलर के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, खुशी से कुछ एनर्जी रिलीज कर देता है। क्या करता है? खुशी से कुछ एनर्जी रिलीज कर देता है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं दोस्त? हाइड्रेशन एनर्जी। अब ध्यान से सुनते जाना, तो मैं बोल रहा हूं कि ये मेटल, कोई एक आदमी था, हम उसके पास गए, मेटल सॉलिड था, मैंने बोला मेटल भैया तुम गैस बन जाओ, वो बोला मैं नहीं बनना चाहता, मैंने बोला यार बन जा यार, तो बोलेगा कोई क्यों बनना चाहेगा सॉलिड से गैस, क्योंकि गैस बनेगा यानी एनर्जी बढ़ गया ना उसका, कोई बनना चाहेगा बताओ, तो कोई अपना एनर्जी बढ़ाना चाहेगा रुनाली? तुम बोलोगी नहीं सर, नहीं बढ़ाना चाहेगा। तो मैंने बोला तुम नहीं बढ़ोगे ना, मैं तुम्हें 100 रुपया देता हूँ। तो अब बोला कि चलो ठीक है, 100 रुपये का बात है, तो ठीक है बन जाते हैं, तो गैस बन गया। अब ये गैस बन गया, तो हम उसको बोले भाई इलेक्ट्रॉन दे दे यार, वो बोला नहीं हम नहीं देंगे, क्यों दें, एक तो पहले ही तुम हमको गैस बना दियो। हम बोले कि चल भाई एक काम कर, 200 रुपये ले ले तू, तो बोला ठीक है 200 रुपये दे दो। अब ये एम प्लस बन गया, अब ये एम प्लस बना, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको बोले कि तुम एम प्लस बनोगे ना, तो हम तुमको स्विमिंग पूल का दर्शन करवाएंगे। वो बोला चल ठीक है देखते हैं क्या है। स्विमिंग पूल में इसको जैसे ही डाले, इसको आ गया मजा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया, इसको काफी ज्यादा मजा आया, और ये चारों, इसके चारों तरफ पानी आ गया, यानी इसे कहते हैं हाइड्रेशन। जब पानी चारों तरफ से घेर ले, सुनिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पानी टूट जाएगा ना, पानी चारों तरफ से घेर ले तुमको गुंडा की तरह,
ना, जैसे गुंडा हीरोइन को घेर लेता है मूवी में, तो वैसे अगर घेर ले उसे कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रेशन सॉरी। तो हाइड्रेशन जैसे ही ये किया ना, तो ये मेटल अपना खुद स्विमिंग पूल में, कह रहे यार मजा आ गया, और इसने मुझे खुशी से क्या किया पता है मृणाली, 1,000 रुपये दे दिया वापस। लो 1,000 रुपये क्यों दिया है? हाँ 1,000 रुपये ये हमको क्यों दिया है? क्योंकि ये स्टेबल हो गया है। ये क्या हो गया दोस्त? स्टेबल। और इसको आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, क्या हाँ आ हाँ मजा आ गया, है ना। तो ये तो काफी अच्छा बात हुआ ना, अगर हम 200-300 रुपया दे के 1,000 रुपये हमको मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ? पहले मान लो इसके पास 0 रुपए था, मेरी वजह से इसके पास 300 एनर्जी आ गया, इस 300 एनर्जी के बाद इसने मुझे 1,000 एनर्जी दे दिया, तो -700 चला गया ना, यानी स्टेबिलिटी इसका बढ़ गया। अरे हाँ कि ना, पहले ये जितना स्टेबल था उससे ज्यादा स्टेबल तो अब हो गया। हाँ या ना, बोलो तुम बोलोगे हाँ, इतना सर आप क्यों बता रहे हैं? तो मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ, ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला कंसेप्ट है ना, ये SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये तभी कंसेप्ट यूज होता है जब कोई भी ये आयन पानी में प्रेजेंट हो या किसी फ्लूड के अंदर प्रेजेंट हो। अगर ये पानी के साथ रहेगा, मान लो हाइड्रेशन कर लेगा, तो हम इसको लिखेंगे M+ एक्वस। क्या लिखेंगे? M+ AQ एक्वस, पानी के साथ। तो तभी ये कंसेप्ट यूज होता है, SRP SOP, समझ आया? गैस में यूज नहीं होता। इलेक्ट्रिक सेल में क्या गैस रहता है? क्या मेटल वेटल का गैस रहता नहीं? ठीक है, वहां तो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि लिथियम हमारा एक ऐसा आदमी है ना, ऐसा साथी है, ऐसा ब्रो है, समझ रहे हो? वो क्या करता है कि लिथियम सॉलिड से बन जाएगा लिक्विड, बनना नहीं चाहता, बनना नहीं चाहता बिल्कुल भी, लेकिन हमने उस लिक्विड क्या गैस बनाएंगे ना, आयनाइजेशन एनर्जी गैस के लिए डिफाइन होता है पता है ना। अब इस गैस से इलेक्ट्रॉन लेके हम इसको Li+ बनाए और इसको पानी से जोड़ दिए, पानी से जुड़ते ही आहा, इसको आनंद आ गया। Li क्या हो गया? Li+ एक्वस, ये एक्वस। तो एक्वस इसलिए इसीलिए बैटरी वैटरी के केस में ये Li जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा वह स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो जाएगा क्या, बताओ तो? जाएगा। क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, समझ में आया? इसीलिए इसका SRP बहुत हाई होता है। मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद होगा तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाके दिखा दूंगा, Li का बहुत ज्यादा होता है लिथियम का। अब इसके ऊपर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, देखो ममता, समझ में आया मैंने इतना देर से क्या कहानी सुनाया? घिचड़ पिचड़ घिचड़ पिचड़ ना, कुछ आया कि नहीं आया समझ? हवा में, गैस में नहीं होता है, वो हमेशा लिक्विड में होता है, किसी भी लिक्विड में हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पानी में ही हो, किसी भी लिक्विड में, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? ऑप्शन ए Li+, ऑप्शन बी Li, ऑप्शन सी Na, ऑप्शन डी Na+। जल्दी बोलो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? ममता, एलआई योगेश, बोलो बोलो। अरे यार ममता बोलो एलआई यार, ममता को नहीं बोलने दोगी मृणाली? क्या उसका अधिकार छीन बोलती लोगी? ममता कुछ बोलती पूछा जा रहा है नहीं। क्लास से, क्लास में तो फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एलआई रिड्यूसिंग एजेंट Li+ कितने लोगों का आंसर है? प्लस कितने लोगों का आंसर ये पूछ रहा है योगेश दादा? Li या Li+? ये तो होगा नहीं सोडियम, आंसर होगा Li। चंपू, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला। भाई इसके पास तो पहले से अकाल पड़ा है, कहाँ से दे देगा ये, कहाँ से दे देगा ये, है? और ये भी Li क्यों देता है मालूम है ना? क्योंकि इसको मैंने लालच दिखाया है, किसमें? कि चलो तुम्हें जन्नत दिखाते हैं, कहाँ पे? स्विमिंग पूल में दिखाए थे ना अभी इसको, तो इसीलिए वो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐसा बिहेव करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। तो SOP देखो क्या, अल्कली ऑल अल्कली, ये वो ये, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, ये सामने वाले को रिड्यूस करता है, जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा ना भाई, लिथियम था तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब देखो खुद क्या हो गया, Li+ हो गया ना, पहले 0 था, तो इसका खुद का क्या हुआ, रिडक्स,
ऑक्सीडेशन हुआ है ना मृणाली, हाँ और सर, इलेक्ट्रॉन जो दूसरे को देके वो खुद को दूसरे को रिड्यूस कर देगा ना, तो जो दूसरे को रिड्यूस करता है उसका खुद ऑक्सीडेशन हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। ठीक है, चलो मुझे लगता है ये समझ में आ गया है ना। देखो यहाँ पे वाटर या फिर किसी सॉल्यूशन के साथ ही ये सब हम कैलकुलेट करते हैं, ऐसे नहीं हवा में नहीं। हवा में कैलकुलेट करोगे तो लिथियम तो कभी नहीं आएगा जीवन में, है ना, लिथियम तो कभी नहीं आएगा जीवन में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, देखो ओनली दोज एलिमेंट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके पास स्मॉल कैटायन साइज हो, हाई चार्ज डेंसिटी हो, वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। तो ये सब चीजें क्या ग्रुप वन में तुमको देखने को मिलता है? तुम हाँ बोलोगे सर ग्रुप वन में तो नहीं, कहाँ देखने को मिलता है? हाई चार्ज डेंसिटी देखी हो क्या? अच्छा, हाई चार्ज डेंसिटी से हाई मैं बता देता हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है? डेंसिटी तो जानते ही हो तुम लोग। हाँ, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं एरिया के बारे में बात करूं या इस एटम के बारे में बात करूं, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी मैं बोलूंगा फाई को। किसको मैं बोलूंगा? फाई, फाई आयनिक पोटेंशियल। इसको कहते हैं आयनिक पोटेंशियल, पता नहीं तुम्हारे बुक में शायद नहीं दिया। इसको फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्त, चार्ज अपॉन रेडियस। क्या चार्ज अपॉन रेडियस को हम नहीं कह सकते क्या? हाई चार्ज डेंसिटी, भाई जिसका रेडियस कम हो चार्ज ज्यादा हो तो उसका आईपी ज्यादा हो जाएगा। सकते रुदानी, हैं कहना ही पड़ेगा भाई, कहना ही पड़ेगा, मजबूरी है, साफ मैथमेटिकल इक्वेशन हमको दिखा रहा है। तो मैं वही बता रहा हूँ, जिनका हाई चार्ज डेंसिटी हो, स्मॉल कैटायन साइज हो, उसके पास खाली जगह हो कि आजा आजा भाई इलेक्ट्रॉन मैं तुम्हें पार्टी कर रहा हूँ, तो ये सब तुमको सिस्टम देखने को मिलेगा बेरिलियम में, मैग्नीशियम में। अभी देखे थे ना ऐसा ऑर्डर, ऐसे 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 करके, फिर ऐसे फिर ऐसे, देखे थे ना? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज बहुत छोटा होता है, इनके ऊपर प्लस टू चार्ज होता है। देख लो कितना ज्यादा चार्ज हो गया, साइज भी बहुत छोटा है। सेम कहानी होता है लिथियम, सेम कहानी होता है लिथियम, क्योंकि हीलियम के बाद या हाइड्रोजन के ठीक नीचे होता है लिथियम, यानी बहुत छोटा होता है लिथियम, और लिथियम के ऊपर कितना है? +1 चार्ज। देख लो, तो लिथियम हो, बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं फॉर्म करता, इसके अलावा कोई भी नहीं फॉर्म करता। सोडियम पोटेशियम ये सब मत लिख देना, क्यों? उनका साइज बढ़ जाता है, उनका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता। ठीक है, बताइए। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर साइज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर लेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी ये दो कंडीशन, ये दो कहाँ चलेगी? ठीक है, इस वजह से नहीं करते। ठीक है, आगे आइए। रिएक्टिविटी भैया, रिएक्टिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, अभी मैंने बताया इसको कैसे डिनोट करते हैं, पाई से। अभी बताया ना क्या होता है फॉर्मूला आईपी का, चार्ज अपॉन रेडियस। मैं बता दूं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में चार्ज का क्या अर्थ हुआ? इस चैप्टर में चार्ज से क्या मतलब हुआ? प्लस चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरा मेटल है, ये क्या चल रहा है? पूरा का पूरा मेटल चल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज से मतलब है। नेगेटिव मत डाल देना भाई, नेगेटिव मत डाल देना। तो जिसका फाई ज्यादा उसका रिएक्टिविटी कम, भैया जिसका फाई ज्यादा उसका रिएक्टिविटी कम, ऐसा क्यों? खुद देखो, ये एक छोटा सा एटम है और ये एक बड़ा सा एटम है, ये है और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ फाई किसका ज्यादा है? फाई किसका ज्यादा है? फाई इसका ज्यादा, फाई इसका कम? अरे हाँ या ना बोलो। चार्ज हाँ अगर मान लो सेम है तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना फाई, इसका छोटा साइज और इसका बड़ा साइज, तो साइज बड़ा तो फाई कम, और ये कम तो फाई ज्यादा। अरे हाँ या ना बोलो। तो इलेक्ट्रॉन कौन शेयर कर देगा, कौन निकालेगा? ये इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा या ये इलेक्ट्रॉन देगा? फिगर नंबर टू या फिगर नंबर वन, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा? नहीं टू वन, टू देगा। वन तो न्यूक्लियस के पास है, वन तो न्यूक्लियस के टू बहुत करीब है, ये देगा ही नहीं। तो अब समझ में आ गया नहीं रिएक्टिविटी कौन ज्यादा शो करेगा? ये वन, क्योंकि समझे इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, तो इसीलिए जिसका फाई ज्यादा रिएक्टिविटी उसका कम, जिसका फाई कम रिएक्टिविटी उसका ज्यादा। चाहो तो फाई का फॉर्मूला लिख लेना, चार्ज ब्रैकेट में पॉजिटिव अपॉन रेडियस, बताइए कोई दिक्कत? तो यहां हम जानते हैं ग्रुप वन में सबके ऊपर प्लस 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 चार्ज, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? साइज के। इसका साइज ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, साइज ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा, साइज ज्यादा, इसमें भी सेम का। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है नहीं क्या? कोई दिक्कत सर। नहीं।
अब यहाँ पे रिएक्शन विथ एयर इसने लिखा है, ठीक है? तो एयर में तो बहुत सारे चीज होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, गैस भी होता है, पानी भी होता है, ठीक है? होता है कि नहीं होता है? तुम बोलोगे हाँ सर। आओ देखे इसने लिखा क्या। मैंने बताया था ना अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं, अगर ऐसे ही नेचर में छोड़ दोगे तो वो ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है? और अगर मॉइस्ट एयर मिल जाए ना तो ये हाइड्रोक्साइड तक बना लेते हैं, अगर इसको मॉइस्ट एयर मिल गया तो ये हाइड्रोक्साइड तक बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्त? और उसके बाद अगर उसको मिल जाए कार्बन डाइऑक्साइड एयर में तो ये कार्बोनेट आयन बना लेते हैं। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? यस, इसीलिए इनको क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स में या फिर केरोसिन में डुबो के रखते हैं। केमिस्ट्री लैब में कभी जाओगे तो ग्रुप वन वाले एलिमेंट ऐसे ही रखे जाते हैं। बताइए कोई दिक्कत है क्या? बेरिलियम को छोड़ दो तो बाकी जो होते हैं ना वो भी टार्निश हो जाते हैं एयर में, तो इनको भी क्या किया जाता है, ऐसे ही रखा जाता है जैसे ग्रुप वन, है ना? बेरिलियम अगर पाउडर के फॉर्म में है तो ये आराम से इग्नाइट हो जाएगा एयर में, है ना? ये आराम से इग्नाइट हो जाता है एयर में। अगर पाउडर के फॉर्म में है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है? और नहीं तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बताइए कोई दिक्कत? जैसे ग्रुप वन बिहेव करता है वैसे ही बेरिलियम को छोड़ के सारे एलिमेंट्स इधर बिहेव करते हैं। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नाइट्राइड वाला बात बोला है ना, इस नाइट्राइड के बारे में सुन लो कहानी, कहीं कॉपी पे देखे इसमें दिया है कि नहीं, एक बार मैं बता दूं। अगर दिया होगा तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, हैलाइड, नाइट्राइड। दिया है, मत लिखो, दिया है। नीचे लिखा है ना ओनली लिथियम फॉर्म नाइट्राइड, तो वो मैं बताऊंगा ही, तो जब दिया ही है तो यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इस ऑक्सीजन को देखो जरा, इस ऑक्सीजन को देखो जरा, इस ऑक्सीजन को देखो, इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड, इसे कहते हैं पर ऑक्साइड, इसे कहते हैं ऑक्साइड। इसका एक ट्रिक बताया क्या दोस्तों? इसका एक ट्रिक बताया, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि दुनिया ही बदल जाएगा तुम्हारा। बोलो मृणाली, हाँ बदल दे दुनिया, लगा दे आग, हाँ ऐसे बोलते हैं है? आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने कितनी बार हाँ कहा। रिकॉर्डिंग सुन लेना, किसी को नहीं सुनाई दिया। देखो ध्यान से, अच्छा चलो पहले मैं कुछ बता दूं, अगर किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका आ जाएगा -2, एक ऑक्सीजन का अगर स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट मैं लिख देता हूं, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन अगर -2 है तो उसे कहेंगे ऑक्साइड, सॉरी उसे क्या कहेंगे, ऑक्साइड, ऑक्साइड कहो या मोनोऑक्साइड कहो, कब, जब -2 होता है तब। और एक और चीज मैं बता दूं, कोई भी ऑक्सीजन जीवन में दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट रखना चाहता है खुशी से, या तो 0 वाला या तो -2 वाला। कोई दिक्कत? क्योंकि ये ग्रुप नंबर 16 का है, ठीक है? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी ऑक्सीजन का -1 आ गया तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्त, इसे हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड। क्या कहते पर हैं? पर ऑक्साइड, तुम तो जानती हो मृणाली, है ना? मैं क्या ही बोलूं तुम्हें, अगर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -1/2 आ गया यानी आधा, तो उसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं? सुपर सुपर ऑक्साइड ऑक्साइड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, ये अकेला ऑक्सीजन, इसके ऊपर -2, तो ये ऑक्साइड ही हुआ ना। देखो नीचे 1, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज, -2। इसे कैसे रिप्रेजेंट -2 करते हैं, O2 -2। दो ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो एक के ऊपर कितना, एक के ऊपर -1। भाई दो के ऊपर -2 तो एक के ऊपर कितना, -1, तो इसे कहते हैं पर ऑक्साइड। मैं बोल रहा हूं इसे O2 माइनस ऐसे दिखाते हैं, दो के ऊपर माइनस तो एक के ऊपर कितना, -1/2, तो इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आओ भैया आओ देखें कैसे होता है मामला, सुपर ऑक्साइड, ये ऑक्साइड, वो ऑक्साइड, ठीक है? कैसे ये रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ देख लें। देखना ही पड़ेगा और क्या। हाँ देखो बोल भी रही है क्लास में, पता नहीं कैसे। कौन
ममता ना, मैं बोलती हूँ सर। पता नहीं क्यों। तो देखो, ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाता है लिथियम। तुम बोलोगे ठीक है, चलो इसका मैं ट्रिक बता दूं। क्या ट्रिक बताऊं? मेरे पास गर्दा वाला एक ट्रिक है। तुम हाँ बोलोगे अच्छा क्यों? ट्रिक है, तो ट्रिक ही बताइए ना, क्या मतलब इधर साके रखे हुए। तो मैं बोलूंगा अरे हाँ ये तो हम भूल ही गए थे, ट्रिक तो है मेरे पास। क्या है लिथियम? देखो ट्रिक, देखो हेलिना की रब से, अरे यार छोड़ो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो क्या ऐसे कुछ है क्या? तुम बोलोगे हाँ। सबसे छोटा इसमें कौन सा है योगेश? बेरिलियम। उससे बड़ा कौन है? हाँ लिथियम। उससे बड़ा है मैग्नीशियम। उससे बड़ा है सोडियम। ट्रिक देखो तुम, उससे बड़ा है कैल्शियम। ममता ट्रिक देखो यार, देखो ट्रिक देखो, कैल्शियम, उसके बाद देखो स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद देखो बेरियम, एनसीईआरटी जो लिखा है वही बताएंगे, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ट्रिक क्या कहता है? पहले का तीन ले लो, सिलेक्ट कर लो, कर लिए सिलेक्ट कर लिए, और लास्ट का तीन सिलेक्ट कर लो, कर लिए कर लो, बीच का जो भी बचा उसको कर लो सिलेक्ट, कर लिए बोलो। पहले का तीन, लास्ट का तीन, ठीक है। तो पहले का तीन जब जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मेनली ऑक्साइड, मेनली फॉर्म ऑक्साइड बनाएगा ये। बोलोगे अच्छा ऐसा, हाँ जैसे कि BeO ऐसा बना देगा, Li2O ऐसा कुछ बनाएगा, ठीक है। तो वैलेंसी के हिसाब से ऐसा क्यों लिखता है? क्योंकि देखो बेरिलियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2। ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा? -2, क्योंकि ऑक्साइड बनाना है ना। तो इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो Be2O2, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो कट जाएगा, तो BeO। लिथियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1। ऑक्सीजन के ऊपर अगर ऑक्साइड है तो कितना आएगा? -2, तो इसको नीचे डाल दो, इसको नीचे डाल दो, तो Li2O ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैलेंसी के हिसाब से पता ही होगा तुम लोगों को, मैं क्या ही बताऊं बार बार, ठीक है। तो ये बनाता है मेनली ऑक्साइड। हाँ इसके अलावा थोड़े बहुत, बहुत ही कम, वेरी स्मॉल अमाउंट में तुमको यहाँ पे क्या बना देगा? पर ऑक्साइड भी बना देगा, मैं अभी लिखूंगा उसको। ये क्या बनाने वाला है? ये बनाने वाला मेनली पर ऑक्साइड। क्या बनाएगा ये मेनली? इसको याद कर परोक्साइड लेना ये टेबल को, ये चाहो तो कॉपी में कहीं लिख लेना, ठीक है। पर ऑक्साइड यानी क्या होता है? पर ऑक्साइड यानी क्या होता है? O2 बस सोडियम के ऊपर, नहीं। सोडियम जब O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? NaO2 ऐसा कुछ, Na2O2 सॉरी, ऐसा कुछ है ना, ये बना देगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग पर ऑक्साइड। क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड। तुम बोलोगे ठीक, क्योंकि यहाँ पे कितना है? -2। ओके अब ये क्या बनाता है? ये बनाता है सुपर ऑक्साइड। ये क्या बनाएगा? सुपर ऑक्साइड। इजी है ना ये ट्रिक? ये बना देगा सुपर ऑक्साइड। इससे क्या याद हो गया? दो दो चीज, एक तो ये भी याद हो गया और ये भी याद हो गया। अब देखो यहाँ पे परऑक्साइड लिखे हो ना योगेश दादा, तो इस परऑक्साइड को तुम उठा के डाल दो थोड़ा आगे, और बस इतना लिख देना है ना कि थोड़ा बहुत ये भी हम बना लेता है, वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट परऑक्साइड। यहाँ पे सुपर ऑक्साइड लिखे हो ना, तो यहाँ पे लिख दो, और लिख देना वेरी स्मॉल अमाउंट सुपर ऑक्साइड भी बना लेता है, बट इसके आगे तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बनाए, ठीक है बस ऐसे ही। बट आपको मेन क्या याद रखना है? मेन ये हो गया। कैसा था ट्रिक? कैसा था बोलो, मजा आया? ममता सब याद ही हो गया होगा। अब तुम बोलोगे कि सर याद तो हो गया, एक दो कंपाउंड का बता दीजिए ना कैसे बनाते हैं, जैसे कैल्शियम का बता दीजिए, लिथियम का बता दीजिए, पोटेशियम का बता दीजिए। तो मुझे एक बात बताओ चंपू जी, ये सुपर ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है ना O2-, और पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। तो इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, आंसर क्या आ जाएगा? KO2। क्या बन जाएगा? KO2। अब सोडियम का परऑक्साइड बनाना है, सोडियम के ऊपर होता है +1, ऑक्सीजन O2 -2, इसके ऊपर होता है -2, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आ जाएगा? Na2O2 ऐसे, यही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे करते हैं। अब Na के ऊपर +1 क्यों आया?
भाई क्यों नहीं आएगा, ग्रुप वन का है तो प्लस वन ही आएगा ना, ये भी ग्रुप वन का है तो प्लस वन ही आ गया, और बेटा मांगे के ऊपर प्लस टू आएगा क्योंकि ग्रुप टू का है, बैलेंस शीट प्लस टू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे दोस्तों कोई दिक्कत, मेरे रहते क्या दिक्कत हो सकती। नहीं सर, ओके मित्रों, समझ में आ रहा है ना चैप्टर, या ऐसे बंदर की तरह शक्ल बना के बैठे हो? बंदर की देखो तरह नहीं, इंसान की तरह। हाँ देखो यहाँ पे दिया ना, पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड, बता ही चुके हैं तुम, तो ये सब देख लेना। ये हो गया पूरा, ये पूरा हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ये भी काफी इजी है। ये क्या मित्रों, काफी इजी है, मैं बता दूं, इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है, इसको 1 सेकंड में समाप्त कर देते। आओ इतना लंबा चौड़ा लिखा है ना, सर, देखो ना, ग्रुप वन ध्यान से सुनो, और ग्रुप वो टू, ब्लैक कलर में ही आपको 1 सेकेंड हो गया। कोई नहीं तो देखो, तो ग्रुप वन और ग्रुप टू जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मेटालिक हाइड्राइड। क्या बनाता है? मेटालिक हाइड्राइड, और इसका आयनिक नेचर होता है। इसका नेचर कैसा होता है? आयनिक, आयनिक कंपाउंड होता है। तुम बोलोगे अरे वाह ऐसा है क्या? हाँ, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन में चाहो तो लिख लेना, अगर इसमें ना दिया हो तो। एक्सेप्शन है लिथियम हाइड्राइड, ये कोवेलेंट नेचर इसके पास ज्यादा होता है, आयनिक कम होता है। बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, इसके अलावा MgH2, याद रखना ये MgH2 बेरिलियम ये और लिथियम, ये हर जगह तुमको परेशान करेगा, ये हर जगह परेशान करेगा क्योंकि इनका नेचर लगभग सेम होता है। अब बताएंगे एनामोलस बिहेवियर में कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये कोवेलेंट नेचर रखते हैं, ये कैसे नेचर है उनका, है तो आयनिक भी बट आयनिक बहुत कम होता है और कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है दोस्त, ज्यादा होता है, कोवेलेंट नेचर, हाई फाई, ड्यू टू हाई फाई। क्या लिखोगे? ड्यू टू हाई फाई, ठीक है, ड्यू टू हाई फाई। हाई फाई की वजह से क्या होता है? कोवेलेंट नेचर आ जाता है ना, इसीलिए हाई फाई नहीं रहना चाहिए लोगों को। ठीक है, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि तुमको ये BeH2 दिख रहा है ना दोस्त, ये BeH2 बना हुआ, ये BeH2 तुम सोच रहे होगे कि सर ये भी तो ऐसा ही बना होगा ना, Be+H2 BeH2, तो जवाब है नहीं, ये ऐसे नहीं बनते। अगर ऐसे कोई लिख दिया तो गलत है, ये ऐसे बनते ही नहीं है, ये बनते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से। ये BeCl2, इसका रिडक्शन करवाया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, टेट्राहाइड्राइड के साथ, फिर यहाँ पे बनता है BeH2+LiCl। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे इस चीज को, फिर AlCl3 ऐसा कुछ। ये बेरिलियम डायरेक्टली इससे रिएक्ट ही नहीं करता क्योंकि इसका रिएक्टिव नेचर बहुत कम है। अभी देखे थे ना रिएक्टिविटी सीरीज में, कहाँ गया यार, कहाँ चला गया? देखो हाँ, ये तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, रिएक्टिविटी देखो तो बेरिलियम का देख लो कितना कम है, तो इसीलिए डायरेक्ट रिएक्ट ही नहीं करता, इसको रिड्यूस करवाना पड़ता है बेरिलियम क्लोराइड को। हाँ, क्लोरीन रिएक्टिव है तो वो ब्रोमीन के साथ कर, वो बेरिलियम के साथ कर लिया था रिएक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा है BeH2 MgH2 और कोवेलेंट, अदर आर आयनिक, सब आयनिक होता है ना। ये देखो कैसे बनता है, यही मैं बता रहा था, ऐसे बनता है, बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, ये सब मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। और क्या लिथियम के साथ भी यही होता है, लिथियम भी ऐसा ही है, कोवेलेंट ही। ठीक है, आइए फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में रिएक्शन विथ वाटर।